राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में विधायक सरयू राय ने बयान दिया है। सरयू राय ने कहा और मांग भी की है कि उनसे पूछताछ होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि जिन जिन विधायकों से पूछताछ की जरूरत हो उन सभी से पूछताछ होनी चाहिए। सरयू राय ने कहा कि कानून अगर सबके लिए बराबर है तो फिर किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से पूछताछ नहीं होगी। झारखंड को चुनाव के दौरान बार बार दागदार किया गया और ये सिलसिला टूटना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि इस बार के चुनाव में अगर तीसरा प्रत्याशी हट जाए तो आगे किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2016 में भी हालात कुछ ऐसे ही थे और उसका नतीजा भी सब देख रहे हैं। ये मामला पुराना है और जब भी झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होता है तब भी खरीद फरोख्त की बात यहाँ शुरू हो जाती है। इसलिए मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो सीट है, दो ही उम्मीदवार दीजिए, सर्वसम्मत हो जाए। एक उम्मीदवार सत्ता पक्ष का जितना जीत जाएगा, दूसरे भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके पास भी पर्याप्त वोट है। जब दोनों की जीत निश्चित है तो बीच में कोई तीसरा लंगड़ी लगा के कोशिश करेगा कि हम भी उम्मीदवार हो जाएँ तो इसी तरह का वातावरण बनेगा। ऐसा ही वातावरण 2016 में भी बना था। खरीद फरोख्त की बात आई, सीनियर पुलिस अफसरों ने इसमें अपनी भूमिका निभाया। उस समय बड़ी सीनियर थे खुफिया विभाग के, उनका फोन टेप हुआ, सब हुआ। अब उस समय नहीं मुकदमा हुआ, मगर चुनाव आयोग ने पहले भी कहा था मुकदमा करने के लिए। अब मुकदमा हुआ है तो मुझे लगता है कि मुकदमा का अनुसंधान ठीक से हो और कोई भी उसमें इन्वॉल्व हो, मान लीजिए हम लोग ही उसमें थे, विधायक थे, तो हम लोगों से भी पूछताछ हो।